नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नौसेना सीधी भर्ती 2019 के लिए आ चुकी है, जहां पर केवल और केवल 10वीं पास वाले मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी को ज्वाइन करना, तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे आने वाली डिफेंस जॉब की लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग इस नई भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म 17 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक भर सकते हैं। आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना होगा, क्या भरना होगा, सारी चीज़ें वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, बस वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए बम्पर भर्ती है, लड़कियाँ भी आवेदन कर सकती हैं, और केवल 10वीं पास मांगा गया। एमटीएस के साथ सफाई कर्मी और भी दो तरह की पोस्टें हैं। ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि पूरे भारत से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, सरकारी नौकरी होने वाली है। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही जहां पर आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे भी मैं लिंक को डाल दूंगा। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट है 2019 यानी 2019 के लिए, एमटीएस कुक और साथ में और भी पोस्टें रखी गई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सभी पोस्टों के लिए केवल और केवल 10वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, तो जो नोटिफिकेशन वो 17 अगस्त 2019 को आ गया था ऑफलाइन फॉरम के साथ में, और ये 7 सितंबर तक रहने वाले, यानी कि 7 सितंबर तक आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एमटीएस कुक और अदर पोस्टें हैं, तो अदर पोस्ट के अंदर आपका सफाई वाला आ जाता है एमटीएस के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कंट्रोलर कंट्रोल वर्कर की पोस्ट है, कुक यानी खाना बनाने की, और यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन चारों पोस्टों के बारे में डिटेल में बताऊं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बना दूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे सफाई वाला है जिसके लिए मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया किसी भी रिकॉर्गनाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, मैट्रिकुलेशन यानी केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है, और लगभग सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे 10वीं पास कंपलसरी यानी कि जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ पे आपका जो हाइट है वो लगभग 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट की बात करते हैं, यानी कि सीना तो बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 85 सेंटीमीटर। वेट यानी वजन की बात करते हैं, तो मिनिमम यानी कम से कम आपका वजन 50 किलो का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे इंड्योरेंस टेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कैरिंग ए मैन यानी कि जो वेट लिफ्टिंग होता है, यहाँ पे आपको लगभग 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर 96 सेकंड पे लगाना होगा, पार करना होगा। क्लियरिंग है 2.7 मीटर्स की, और यहाँ पे क्लाइंबिंग है 3 मीटर्स की, यानी कि आपको चढ़ना होगा वो भी वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट के साथ में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजिकल के बारे में एक वीडियो दूं, तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। सफाई वाले की एज है यहाँ पे 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। पेस्ट कंट्रोलर की एज है, उम्र है 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। कुक यानी खाना बनाने की यहाँ पे जो कम से कम उम्र है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। और यहाँ पे जो फायर इंजन ड्राइवर है उनके लिए कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखा गया है। देन एज में रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सफाई वाला के देख लेते हैं पेमेंट के बारे में। एज में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सभी को छूट मिलेगी। सैलरी की बात करते हैं, तो सफाई वालों को 18,000 रुपये स्टार्टिंग से लेकर 56,900 रुपये। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की सेम है, और यहाँ पे कुक की जो है यहाँ पे 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये, और साथ में यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए 21,700 से लेकर लगभग 70,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया पहले ही कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश अवेयरनेस, और साथ में यहाँ पे ट्रेड फील्ड टेस्ट 50 नंबर का होने वाला है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, सिलेबस सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि आपको ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, फुल नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी।
तो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी गई, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग पे लग जाएगा और लगभग ये नोटिफिकेशन एक सेकंड के अंदर डाउनलोड होकर ओपन भी हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंडियन नेवी की तरफ से 2019 के लिए भर्ती आई हुई है और यहाँ पे आपको चार तरह की पोस्टें हैं, सफाई वाला, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर की। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें फिजिकल रिक्रूटमेंट कैटेगरी के बारे में बताया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और एज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया जो कि मैंने अभी आपको बता दी। और यहाँ पे साथ में आपका क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिकुलेशन 10वीं पास बोला गया है। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में 12 पेजे हैं जहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी, एसटीएससी को 5 साल का, ओबीसी को पूरे 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट और ईएसएम वाले कैंडिडेट को अलग से छूट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। साथ में अब जब आप लोग नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पे लगाया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन फॉर्म भर के आप सभी को दिखाऊं, उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो को, पूरे 1000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करिएगा। जल्दी ही मैं ऑफलाइन फॉर्म भरने की वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।